कारों में लगने वाले 40 लोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 40 लोग के चलते हुई कई घटनाओं के मद्देनजर अब कारों से 40 लोग हटाने को लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र के माध्यम से सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जुलाई के बाद किसी भी वाहन में 40 लोग नहीं होने चाहिए। बकायदा वाहन निर्माता कंपनियों को इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं कि जुलाई के बाद वह किसी भी वाहन में 40 लोग न लगाए। वाहन निर्माता कंपनियों ने सफर के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए कारों में 40 लोग के अतिरिक्त सुविधा देनी शुरू की थी, मगर ये 40 लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। हालांकि 40 लोग चलती कारों में बच्चों को सुरक्षित रखता है। सुरक्षा की दृष्टि से कारों में यह लोग बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन 40 लोग की मदद से कार ड्राइवर अकेली सफर कर रही महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करने की घटनाओं के सामने आने के बाद यह कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि देश के कई शहरों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। आपराधिक तत्व 40 लोग की सुविधा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको देखते हुए कारों से 40 लोग हटाने का फैसला किया गया है। खासकर मोबाइल ऐप आधारित टैक्सियों व दूसरी टैक्सियों में जुलाई 2019 तक लोग हटाना अनिवार्य होगा। अब आपको बताते चले कि 40 लोग क्या होता है और यह कैसे काम करता है। कार के पिछले दरवाजे में 40 लोग लगाए जाते हैं। यह ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल काम करता है। ड्राइवर पिछले दरवाजों में लगे स्विच को ऑन कर देते हैं। इसके बाद भीतर से कार के दरवाजों को नहीं खोला जा सकता। यह ड्राइवर की मर्जी पर है। जब कार खड़ी होगी तब वह बाहर से कार का दरवाजा खोलेगा। 40 लोग का स्विच छोटा होता है जो आम यात्री को आसानी से दिखाई नहीं देता। अभी एक बड़ी खबर 40 लोग को लेकर सामने आई। कंपनी निर्माताओं ने 40 लोग की सुविधा बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी, लेकिन आपराधिक तत्व इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। महिलाओं को गाड़ी में अकेले पाकर 40 लोग लगाकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के चलते प्रशासन ने जुलाई तक सभी गाड़ियों से 40 लोग हटाने के दिशा निर्देश दिए हैं। सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मैं निशा मंडान, समाचार एक्सप्रेस न्यूज करनाल।